सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नमः श्री शंकरानंदं गुरुपादांबुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर यहाँ पर ग्रंथकार बताते हैं और कहते हैं कि ज्ञानी में भ्रम रहता है, अज्ञानी में भ्रम रहता है सॉरी, और ज्ञानी में भ्रम का नाश हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी के पास भ्रम का उपाय है, भ्रम निवर्तक जो बोध है वो बोध भ्रम को हटा देता है। भ्रम क्या है? तो भ्रम का स्वरूप हमने देखा था कि अज्ञानी को जब भोग मिलता है तो उस भोग को एक तो सत्य मानता है और दूसरा उसको वो बनाए रखना चाहता है, बोले उसमें कोई बाधा न आए, मां विनश्यतु, और बढ़ते ही चले जाए, इसमें कोई विघ्न न आए। और जब विघ्न इत्यादि आता है तो उसको दुख होता है, यही भ्रम है। चिंता होती है कि जो मैं चाहता हूं वो मिल नहीं रहा है, जो अनिष्ट है उसी की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, भले उसको भोग मिलते हैं लेकिन वो उसमें चिंता नहीं करता, प्रारब्ध में जो है उसको वह आनंद से स्वीकार करता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, निवृत्तानि न कांक्षति। तमोगुण रजोगुण भी आ सकता है तो बोले आने दो, आएगा चले जाएगा, वो उसके द्वारा अपने आप को विचलित नहीं करता, विचलित होने नहीं देता। तो इस तरह ज्ञानी के भीतर ज्ञान का क्या लाभ है ये यहां दिखाया। अब यहां कहते हैं कि दोनों ही प्रारब्ध को भोग रहे हैं, कौन? तो बोले ज्ञानी और अज्ञानी, लेकिन एक में व्यसन की वृद्धि हो रही है, कल हमने देखा था, और इसमें तो व्यसन बिल्कुल होता ही नहीं, अल्प भोग से वो शांत हो जाता है। तो बोले ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों में भोगित्व समान है, दोनों भोग रहे हैं, लेकिन एक में व्यसन उत्पन्न हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, क्यों? तो सुनिए 169। समे पि भोगे व्यसनम भ्रांतो गच्छेन्न बुद्धवान अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रांतस्य वसनं बहु। समेपि भोगे व्यसनं भ्रांतो गच्छेन्न बुद्धवान अशक्यार्थस्य संकल्पा भ्रांतस्य व्यसनं बहु। कहते हैं समेपि भोगे, दोनों ही प्रारब्ध भोग रहे हैं, लेकिन फरक क्या है? भोगने का जो तरीका है, भले जो भ्रांत व्यक्ति है वो भोग कर
व्यसनों को बढ़ा लेता है। व्यसन के अर्थ हम कल देख चुके हैं, काम क्रोध जन्य विकार आ जाते हैं, आपत्ति संकट, ये भ्रांत पुरुष को होते हैं। तो व्यसनम भ्रांत गच्छेत न बुद्धवान, लेकिन जो ज्ञानवान है उसमें व्यसन होते नहीं, बढ़ते नहीं। अच्छा, अब प्रश्न है कि भोगित्व दोनों में समान होने के कारण ऐसा क्यों हो रहा है, एक में व्यसन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और दूसरे में क्यों बढ़ रहे हैं। तो उसका कारण यहां कहते हैं, जो ये प्रश्न है इसका उत्तर है, अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रांतस्य व्यसनं बहु। बोले जो भ्रांत व्यक्ति है वो अशक्य वस्तु की प्राप्ति में लगा हुआ है, अशक्य वस्तु की इच्छा उसको हो रही है, ऐसा ऐसा संकल्प कर रहा है जो कभी होगा नहीं। तो जो असंभव है, अशक्य है, उसको यदि प्राप्त करने के लिए चला है तो दुख तो होना ही है। इसी को यहां कहा व्यसनम, मतलब और उलझ जाना उसमें, निराश होना, हताश होना, ये भी है। कहते हैं रावण ने अशक्य काम करने का प्रयत्न किया, वो अशक्य चीज हुई नहीं तो दुखी हुआ। उसने कहा कि हम सोने को सुगंधित कर देंगे, ये संभव नहीं है। फिर कहा कि मैं स्वर्ग को, एक स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी लगा दूंगा। अब ये सफल है क्या, इसका हमें वो सफल है क्या, यदि होता तो दूसरे लोग भी प्रयोग करते उसका। फिर उसने कहा कि सारे समुद्र का पानी में मीठा कर दूंगा। अब ये तो कुछ संकल्प उसके पूरे हुए नहीं तो दुखी हुआ। हम लोग भी देखते हैं अनेक संकल्प, अनेक योजना, अनेक प्रोजेक्ट्स, अनेक कल्पनाएं करते हैं और चाहते हैं कि वो पूरी हो, वो होती नहीं है। तो बोले ये बार बार विषय को प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट बनाने का जो प्रयत्न है वो यही व्यसन है, ये व्यक्ति करते रहता है। क्योंकि ज्ञानी को ये स्वभाव मालूम है विषय का, जगत का, इसलिए न बुद्धवान, बुद्धिमान व्यसन में पड़ता नहीं है। और इसलिए प्रारब्धम पुष्यति वपु, ऐसा लिखा है विवेक चूड़ामणि में, प्रारब्ध के अनुसार उसका पोषण होता है, अनेक संकल्पों के कारण उसका पोषण नहीं होता। मतलब प्रारब्ध में यदि सुख है तो ठीक है, दुख है तो ठीक है। कहते ना हम है राजी उसमें, जिसमें रजा तेरी है। तो कोई ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये है उसका। लेकिन इसकी तो दोस्ती है, सुख भोग से दोस्ती है, दुख से बैर है, तो प्रयत्न करते रहता है। इसमें कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, तो पूर्ण संतोष उसको कभी प्राप्त होता नहीं। अब यहां कहते हैं आगे कि चूंकि ज्ञानी जो है ये जानता है भोगों का स्वभाव, इसलिए उसके भीतर भोगेच्छा और भोग की वासना और बढ़ती नहीं है, बल्कि उसका संहार हो जाता है। एक शब्द दिया है संहार, भोग करते हुए भी वो भोग की वृत्ति को बढ़ाता नहीं है। कैसे, तो देखिए, माया मयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थामुपसंहरन् भुञ्जानोऽपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः। माया मयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थामुपसंहरन् भुञ्जानोऽपि न संकल्पं
कुरुते व्यसनम कुतः। कहते हैं भोगस्य मायामयत्वं बुद्ध्वा, भोग के मायामयत्व को जानकर, मायामयत्व मतलब जितने ये क्या कहते हैं हमको वचन दे रहे हैं कि ये आप यदि हमको प्राप्त करोगे तो आप तृप्त हो जाओगे, आनंद में डूब जाओगे, ये जो अपना क्या करते हैं विज्ञापन, बोले सब झूठा है। विषय विज्ञापन करते हैं, आप हमारे पास आओ, हमको ले लो, जीवन की सारी समस्याएं हट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। ये जगत तो यही बोलता है, वस्तु परिस्थिति देश काल समाज व्यक्ति ये सब। लेकिन यहां पर क्या कहता है ज्ञानी, अरे ये मायामय है, इसके धोखे में मत आओ। परसेप्शंस आर डिसेप्टिव। तो भोग माया का अर्थ ही आपने सुना हुआ है कि जो है नहीं, यामा सा माया। तो बोले ऐसा इसके स्वभाव को जानकर, देखिए किसी भी चीज का ज्ञान हमको हो जाता है ना, तब हम उसके साथ व्यवहार कैसा करें या करना चाहिए ये हमको आ जाता है। एक बार आपने जान लिया कि ये व्यक्ति दुर्जन है तो फिर हम अपने आप ही क्या संभल के रहते हैं, सावधान रहते हैं। ज्ञान का बहुत बड़ा फल है व्यवहार कैसे करना, ये समझ में आ जाता है। समझ में आ गया कि अग्नि उष्ण है तो बस फिर दूर से ही उसको हरिओम, ज्यादा निकट जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का ज्ञान जो है अपने व्यवहार को कंट्रोल कर लेता है। तो जब एक बार ये ज्ञात हो गया कि माया में बुद्ध्वा, ऐसा जानकर उपसंहरण, उपसंहरण मतलब उसका उसको समाप्त करके, भोगों को भोगते हुए वो जीता है मायामय समझकर, हाँ जीता है। और आस्था उपसंहरण, हाँ यह शब्द है आस्था, आस्था का नाश कर देता है, मतलब उसमें कोई सत्यता है, ये जो पहले विश्वास था अब उस विश्वास को वो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है या उसमें समाप्त हो जाता है। सो भोगस्य मायामयत्वम आस्थाम उपसंहरण भुंजान, ऐसा बनेगा। भोग के मायामयत्व को, मायिक स्वभाव को जानकर उसमें आस्था को बढ़ाता नहीं है, उससे ज्यादा प्रेम बढ़ाता नहीं है, उस पर ज्यादा विश्वास करता नहीं है। अरे बोले कह रहे हैं कि सुख देंगे लेकिन पास में जाने पे मालूम पड़ेगा कुछ सुख नहीं है, तो आस्था नहीं रखता वो, भोगता है लेकिन आस्था नहीं रखता। और न संकल्पम कुरुते, वो बिल्कुल संकल्प नहीं करता। संकल्प शब्द के देखिए बहुत सारे अर्थ है। संकल्प मतलब एक तो है निश्चय, अब ये निश्चय नहीं करता कि अभी आगे और हमको भोग कैसे मिलेंगे उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, ऐसा निश्चय नहीं है। वो तो जान गया है कि मिथ्या है, तो मिथ्या चीज के लिए क्या संकल्प करना। और संकल्प का दूसरा अर्थ है कि कल्पनाएं करना, सम्यकत्व की कल्पना, ऐसा हो जाएगा तो बहुत सुंदर होगा, वहां मैं चला जाऊंगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, ये संकल्प। संकल्प प्रभवान कामान, जितने इतने संकल्प करेंगे फिर उतनी उतनी इच्छाएं आती जाती, जितनी कल्पनाएं करेंगे कल्पना अनुसार इच्छाएं आएगी। तो बोले यहां कितना अच्छा लिखा है कि मायामयत्व को जान लेने से उसमें संकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, तो व्यसन तो बहुत दूर की बात है। व्यसनम कुतः, न संकल्पम कुरुते व्यसनम कुतः, व्यसन हेतुत्व का अभाव उसमें दिखाई देता है।
अच्छा, संकल्प शब्द का एक अर्थ बड़ा अच्छा किया है कि अशक्यार्थस्य चिंतनम। संकल्प करना मतलब अशक्य चीजों की चिंतन करना। अभी हमने उदाहरण दिए पीछे, इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, गीता में आता है। बोले जब तक संकल्प नय सन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, जब तक आप संकल्प को छोड़ोगे नहीं तब तक योगी नहीं बन सकते। योगी बनने के लिए कल्पनाएं छोड़ो, अध्यास छोड़ो, जो हम सुख का आरोप कर देते हैं उसे ऊपर, और फिर अपने ही मन से बनाए हुए एक कल्पना को मूर्ति रूप मूर्तिमंत करना चाहते हैं कि अरे इसमें बड़ा सुख है सुख है, तो उस वस्तु को प्राप्त करें। ये बोले क्या है, ये संकल्प है। तो मायामयत्व जानने के बाद संकल्प हो नहीं सकता। एक बार जब आपने जान लिया कि रज्जु के ऊपर सर्प मिथ्या है, ठीक है, तो अब क्या कल्पना करोगे आप कि अब ये सर्प को मैं पकड़ूंगा, इसको सबको दिखाऊंगा? तत्क्षण ही सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो व्यसनम कुतः, तो व्यसन उसको कहां से होगा, ठीक है ना? तो ज्ञान हेतु है किसमें, व्यसन के न होने में। कौन सा ज्ञान? मायामयत्व। जगत तो ऐसा चमकदार है, लगता है कि ये इसमें बहुत क्या कहते हैं आनंद देने की सामर्थ्य है, लेकिन वैसा होता तो नहीं, दिखाई तो नहीं देता। अब यहां पे कहते हैं, इसके ऊपर एक शंका कर दी, बोले ज्ञानी का ज्ञान है, ज्ञानी को ज्ञान है कि ये जगत क्या है, माया है, लेकिन भोग तो कर रहा है ना, वो माया महत्व जान के भोग कर रहा है। तो यहां लिखते हैं भोग काल में तो उसको सुख मिलेगा ही, भोग काल में तो उसको सुख मिलेगा ही, और जब सुख मिलेगा तो वो उसमें आसक्ति क्यों नहीं करेगा? देखो कैसा प्रश्न है, माया मयत्व होने पर भी भोग काल में तो सुख उसको मिलेगा, आनंद आएगा, तो फिर अच्छा आनंद आया तो क्यों आसक्ति नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आसक्ति तो बढ़ती है जहां हमको सुख मिलता है। तो भोग हो रहा है तो सुख मिलेगा, ठीक है, माया मयत्व तो जान रहा है। तो यहां पे इसका उत्तर देते हैं कि देखो उसमें आसक्ति नहीं बढ़ सकती, क्यों? तो सुनिए, स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम दृष्ट नष्टम जगत पश्यन् कथम तत्रानुरज्यति। स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम दृष्ट नष्टम जगत पश्यन् कथम तत्रानुरज्यति। कहते हैं कि मायामय जानने के बाद भोग में उसकी आसक्ति नहीं होती, भोग काल में उसको सुख मिल रहा है फिर भी, क्यों? बोले स्वप्न इंद्र जाल सदृश, वो जगत को किस रूप में देख रहा है, कैसे देख रहा है? तो बोले वो देख रहा है कि ये जगत स्वप्नवत है, स्वप्नवत झूठा है। अभी आगे इसके ऊपर और चर्चा आएगी। तो स्वप्नवत है, इंद्रजाल सदृशम, इंद्रजाल मतलब माया जल, जादू। तो दो चीजें, ये जादूगर जिसे दिखाता है लेकिन वो होता तो है नहीं, तो बोले ऐसे ही ये जगत है। वो जादू से देखिए व्यक्ति का मनोरंजन होता है, तो बड़ा मजा आता है, देखो कैसे वो एक बॉक्स में से क्या क्या निकल रहा है। तो मनोरंजन का हेतु है इंद्रजाल,
जगत भी उसके लिए क्या है, मनोरंजन का है, तो आनंद लेता है। अच्छा तीसरी बात लिखिए, अचिंत्य रचनात्मकम, अनिर्वचनीय रचना है ये। जगत कैसा है, अनिर्वचनीय है। देखो जगत को किस रूप में देखता है, यहां दो तीन शब्द दिए हैं, स्वप्न के समान, स्वप्न थोड़ी देर के लिए होता है और वो केवल क्या होता है, प्रतीति होती है, वास्तविकता नहीं होती। तो ऐसे ही जागृत भी है, जादू के खेल में भी वो दिखता है लेकिन वैसा होता नहीं है। तीसरा अनिर्वचनीय, इसकी जितना भी आप इसकी व्याख्या करना चाहे व्याख्या हो नहीं सकती। और ये जगत कैसा है, दृष्ट नष्टम, देखते देखते नष्ट होने वाला है, दृष्ट नष्ट स्वभाव, ये जगत का जबरदस्त क्या है, स्वभाव है। देखते देखते हम लोग कहते हैं अभी, अरे अभी अभी तो मिल के आया उस व्यक्ति से, अभी दो मिनट पहले मैंने बात की, मैसेज पढ़ा, अभी उसने भेजा था और अभी नहीं है। दृष्ट नष्ट, लोग देखते देखते आंखों के सामने वो चला जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है, एक रात बीती नहीं कि वो परिस्थिति बदल गई। तूफान आता है तो कभी बाढ़ आती है तो कभी क्या होता है बाह्य जगत में, और सामाजिक परिवेश बदलते रहता है, राजनीति में जो है ना वातावरण है वो बदलते रहता है। तो देखते देखते उसके लिए कोई बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। तो बोले इस तरह का ज्ञान होने से कथम तत्र अनुरज्जति, ज्ञानी पुरुष उसमें आसक्त कैसे हो सकता है। इसे गंधर्व नगर में भी आकाश में बादलों में आप देखते देखते देख रहे हैं वहां गणेश जी को, गणेश जी का रूप दिख रहा है, देखते देखते चूहा गायब हो जाएगा, देखते देखते सूंड गायब हो जाएगी, वो बादल बदल रहे हैं। तो ऐसा जिसका ज्ञान है वो क्यों उन प्रारब्ध जन्य भोगों में क्या होगा, आसक्त होगा। ठीक है, इसलिए भोग कर रहा है लेकिन वो आसक्त आसक्ति रहित हो गए, सावधानी है उसमें, ज्ञान पूर्वक हो गए। अच्छा, अब जब ये बात कह दी तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया, बोले ठीक है आप कह रहे हैं कि उसको ज्ञान है कि ये जगत इंद्रजाल की तरह है, स्वप्न की तरह है, मिथ्या है और बिल्कुल क्षणिक है, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवित मतिशय चपलम। भजगोविंद में शंकराचार्य जी कहते हैं कमल के पत्ते के ऊपर जैसे पानी की बूंद, उसकी आयु कितनी है, एक हवा का झोंका आया कि गया। तो बोले ऐसा ये जगत वो देखता है, उसको अवेयरनेस है, ज्ञान उसका जागृत है, ठीक है। लेकिन अब यहां एक प्रश्न है कि ऐसा ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा कि ये जगत मिथ्या है, स्वप्नवत है, कुतः ज्ञान जायते, ये ज्ञान होता कैसे है, कैसे होगा ये। अरे ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है, सभी प्रश्न अच्छे हैं लेकिन ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि यदि तुमको जगत स्वप्नवत समझना है तो तुम जानना चाहते हो ना कैसे होगा ये ज्ञान, कैसे होगा, तो मतलब तुम उपाय जानना चाहते हो। बोले हाँ हाँ। तो कहते हैं इसके लिए उपाय है और ये उपाय ही बताया जा रहा है 172 173 इन दोनों श्लोकों में। पहले पढ़ते हैं 172। स्वस्वप्न स्वप्नमापरोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरं चिन्तयेदप्रमत्तः सन् उभावनुदिनं मुहुः। स्वस्वप्नमापरोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरं चिन्तयेदप्रमत्तः सन्
उभावनु दिनम मुहु। हाँ बोले अब कैसे ज्ञान प्राप्त हो, तो चलो उपाय सुन लो। उपाय बता रहे हैं, बोले अपने स्वप्न को तुम रोज देखते हो। बोले हाँ, तो स्वस्वप्नम अपना जो स्वप्न है उसका अपरोक्ष तुमको ज्ञान होता है। अपरोक्ष मतलब स्वयं से तुम जानते हो ये स्वप्न है, और ये सपना था ये कब जानते हो, तो बोले जागरम, जब जागृत अवस्था में हम आ जाते हैं, जब जागृत अवस्था में आते हैं तब ही स्वप्न के मिथ्यात्व का ज्ञान होता है। ये तो बहुत सरल बात है, कई बार आप ये सुन चुके हैं। यहां पे एक बहुत अच्छी बात है, अप्रोक्ष रूप से मतलब वो स्वप्न किसी और ने देखा है ऐसा नहीं, खुद ही देखा है, खुद ही जाग रहा है, खुद को ही ज्ञान हो रहा है। बड़ी मजेदार बात है। एक वो हमेशा मैं एक दो लाइन बोलता हूं, हमी से भूले हमी में भूले, हमें खोजने हम ही चले। हमी ने खोजा हमी ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। कई बार मैंने सत्संगों में बात कही है, यहां सब हमको ही करना है, हम ही सोए हुए हैं, हमको ही जागना है, हमको ही उपाय करना है, और हमको ही अपनी प्राप्ति करनी है, परोक्ष कुछ है ही नहीं। तो बोले अपने स्वप्न से हम जागते हैं और एकदम स्पष्ट हो जाता है, अरे क्या देख रहा था मैं, पहाड़ देख रहा हूं, समुद्र देख रहा हूं, मेरे में कहां इतनी जगह है क्या अंतकरण में कि पहाड़ और समुद्र आ जाए। अरे तो बोले केवल प्रतीति थी। तो जैसे ये होता है ऐसे ही अब उपाय बता रहे हैं, चिंतये अप्रमत्त सन। बोले इसी तरह चिंतन करो। देखिए स्वप्न से जब हम जागृत में आते हैं तो स्वप्न मिथ्या है, इसके लिए कोई चिंतन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वप्न पूरा क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो एकदम स्पष्ट मालूम पड़ता है अरे ये तो प्रतीति थी, ज्यादा चिंतन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहते हैं अब ये जागृत भी स्वप्नवत ही है, इसके लिए तुम क्या करो, चिंतन करो। कैसा चिंतन करो, तो कहते हैं अनुदिनम। अनुदिनम का मतलब है प्रतिदिनम, नित्य। और दूसरा भी शब्द डाला है मुहु, मुहु मतलब बार बार। तो प्रतिदिन बार बार ये चिंतन करो कि जागृत अवस्था भी स्वप्न के समान मिथ्या है, बस यही उपाय है। यदि ये उपाय का उपाय को जीवन में लाओगे तो जो तुम पूछ रहे हो ना ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, ज्ञान होने लगेगा, हो जाएगा। योग वासिष्ठ आदि ग्रंथ में तो इसकी खूब खूब अभ्यास कराया है, बार बार इसी बात पे आते हैं कि जगत जो है वो सत्य नहीं, अनेक उदाहरण दे रहे हैं, कहानियां बता रहे हैं। तो कहते हैं उपाय क्या है, चिंतये, चिंतन, चिंतन करो कि जगत अनिर्वचनीय है, चिंतन करो कि दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है, इससे ये ज्ञान दृढ़ होने लगेगा। अच्छा अब बोले आप ये कह रहे हो कि यह जागृत स्वप्न के समान है, थोड़े कुछ साम्यता तो होनी चाहिए, केवल बस कह रहे हो चिंतन करो चिंतन करो, ये जागृत भी स्वप्न के समान है। स्वप्न के समान कहने के लिए कुछ साम्यता होनी चाहिए। तो देखो साम्यता है, स्वप्न जैसे तात्कालिक भोग का हेतु बनता है, ध्यान से सुनना, तात्कालिक भोग का हेतु मतलब जब आप स्वप्न देख रहे तो देखते समय हमको वो सुख दुख देता है, ठीक है, जब आप देख रहे हो, कोई शेर देखा तो भय हो गया, कोई अपना मित्र देखा तो एकदम प्रेम भाव आया, प्रिय वस्तु कोई वहां पे दिखने लगी मिठाई तो एकदम लालच आ गई,
लेकिन ये क्या हुआ, जब वो है तत्काल में, स्वप्न जाने के बाद न भय है न प्रेम है, हाँ न आसक्ति है न लोभ है, तत्काल में वो भोग दे रहा है सुख या दुख, ये स्वप्न में हो रहा है। अच्छा, जागृत में भी यही हाल है। आपके सामने गुलाब जामुन है, जब वो गुलाब जामुन साबुन सामने है तब तो आप उसका भोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक बार वो चला गया तो फिर उसका सुख भी चला गया। उसका सुख तभी तक था जब तक भोग हो रहा था, इसको तात्कालिक भोग है। तो स्वप्न काल में जैसे भोग हमको सुख दुख देते हैं, ऐसे ही जागृत में भी जब वो सम्मुख होते हैं तब वो भोग देते हैं, तब वो सुख दुख देते हैं। तो ये एक है। दूसरा, परिणति विरसत्व, ये एक और साम्यता बताए। बोले परिणति मतलब समाप्त हो जाने पर उसका रस खत्म हो जाता है, भोग चला जाने पर उसका रस खत्म हो गया। अब आप कुछ चीज खा रहे हैं, जब खा रहे हैं तब तो है, जब वो चीज ही समाप्त हो गई तो उसका रस भी समाप्त हो जाता है, फिर तो उसका आस्वाद हो नहीं सकता। जब आप कुछ सुन रहे हैं, सुनते समय उसका आनंद है। तीसरी बात है कि विनाश हेतु, विनाश हो जाता है, विनाशी नहीं, ये कोई नित्य पदार्थ नहीं है। स्वप्न में भी नित्य नहीं है, जागृत में भी आप किसको नित्य बोल सकते हो, देखिए सोचिए। तो बस इसलिए लोग कहते हैं जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, शिवजी कह रहे हैं। अच्छा, स्वप्न के जितने भोग या दृश्य हमने देखे, अब आज क्या है, वो आज केवल स्मृति के रूप में हमारे भीतर बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा मैंने देखा था। अच्छा, वो भी हमको सब याद रहते नहीं है। ऐसे यदि जगत को भी आप देखें तो जो भी चीज घट गई है पीछे, अब आज केवल स्मृति रूप में रह गई है, संस्कार है। हाँ, मैंने बचपन में ये किया था, वो किया था। जैसे हम वापस स्वप्न में नहीं जा सकते, वैसे ही वापस हम भूतकाल में नहीं जा सकते, ये भी साम्यता है, स्मृति रूप हो गई केवल। अच्छा, कुछ सपने याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते। ऐसे ही जागृत में भी कुछ चीजें याद रहती है, कुछ चीजें याद नहीं रहती। पंचदशी का विषय भूल जाते हैं, लेकिन उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया था, अपमान किया था, वो याद रहता है, विनोद कर रहा। तो जिसकी जिसमें महत्व बुद्धि होती है ना, वो चीज तो याद रह जाती है, उसका संस्कार बहुत गाढ़ा पड़ता है। कोई कोई स्वप्न है वो भूलते नहीं है। तो देखो साम्यता है कि नहीं, स्मृति विस्मृति। तो इस तरह से दोनों का क्या करो, चिंतन करो। उभौ अनुदिनम चिंतयेत अप्रमत्त, बिना प्रमाद किए, प्रमाद रहित होकर, तो आपको साम्यता समझ में आएगी। और लोग कह ही देते हैं ये जागृत मतलब दीर्घ स्वप्न है, ऐसा लोग बोलते। तो इस तरह यहां ये उपाय बताया, और आगे भी उसी का थोड़ा और विस्तार करते हैं। चिरं तयो सर्वसाम्यं अनुसंधाय जागरे, सत्यत्वबुद्धिं संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत्। चिरं तयो सर्वसाम्यं अनुसंधाय जागरे, सत्यत्वबुद्धिं संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत्। कहते हैं तयो हो, तयो मतलब दोनों का, कौन कौन दोनों, तो जागृत और स्वप्न, दोनों का क्या करो, अनुसंधान, अनुसंधान चिंतन। क्या चिंतन करना है कि दोनों एक समान ही है, सर्वसाम्यम, दोनों में समानता है। और बोले चिंतन कब तक करना है, अभ्यास कब तक करना है, चिरम बहुत काल तक, बहुत काल तक दोनों की समानता का अभ्यास यदि हमने किया।
दो शब्द बड़ो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या समानता का चिंतन करना है और बहुत देर तक, बहुत काल तक करना है। यदि ऐसा होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य। जागृत में सत्य बुद्धि अपने आप कम हो जाएगी, मिथ्या बुद्धि बढ़ते जाएगी। और एक बार ये मिथ्या बुद्धि दृढ़ हो गई तो फिर क्या होगा? पूर्ववत न अनुरज्यति। पहले जैसा वो आसक्त तो हो जाता था, पहले जो उसमें बिल्कुल गिर पड़ता था, उलझ जाता था, आग्रह उसको होता था कि मिलना ही चाहिए, इतना ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, पूर्ववत पहले ज्ञान के पहले की स्थिति और अब की स्थिति, दोनों में फर्क है। पूर्ववत न अनुरज्यति, देखो बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं हाँ एक समय था मेरे में एक कमजोरी थी, लेकिन अब मैंने उसको पार कर लिया। कई लोग ऐसे देखे, कोई चेन स्मोकर होता है, एक के बाद एक धूम्रपान कर, लेकिन उसने विचार किया, चिंतन किया, उसके दोषों को देखा, तो अब वो क्या कहेगा? न अनुरज्यति पूर्ववत। तो ऐसे ही यहां पर जगत में जो हमारी सत्य बुद्धि थी और उसके कारण जो मैं अनुरक्त होता था, अब वो नहीं रहा। जैसे मंथन करके आपने यदि एक बार मक्खन को निकाल लिया छाछ में से, तो वो मक्खन अब फिर से उसमें नहीं मिलता, है ना, अलग हो गया। मतलब ऐसे ही इसने विचार के द्वारा अपने आप को अलग कर लिया कि ये जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, मैं सत्य हूं, आत्मा सत्य। इस तरह से ये ज्ञान होने के कारण वह भोगते हुए भी व्यसन को प्राप्त नहीं होता। तो उपाय यही है जो तुम पूछ रहे थे ना, उपाय, तो उपाय ये चिंतन है। अच्छा फिर अब यहां पे कहते हैं, फिर एक शंका है, बोले यहां पे दो बातें आ रही है सामने और दोनों विरोधी है, क्या? देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको देख के हम पूर्ण करेंगे, उत्तर कल देखेंगे। वो ये कह रहा है कि जगत में यदि मिथ्या बुद्धि सिद्ध हो जाए, तो मिथ्या बुद्धि सिद्ध होने पर भोग नहीं होगा। देखो कैसा प्रश्न है, भोग के लिए वो कहता है सत्य बुद्धि चाहिए। विषय में जब तक सत्यत्व नहीं होगा तब तक भोग करेगा नहीं, भोग के लिए सत्य चाहिए। तो विरोध हो रहा है, वो कह रहा है एक तरफ आप कह रहे हो जगत मिथ्या है और दूसरी तरफ कह रहे हो वो भोग भी रहा है। तो जगत मिथ्या तो और भोग, ये दोनों साथ में नहीं हो सकता। यदि हम ऐसा कहें तो मतलब ये दोनों में विरोध है। तो यहां पे आचार्य इसका उत्तर देते हैं, बोले ये बिल्कुल ऐसा कुछ विरोध नहीं है। भोग भोगने के लिए भोग को सत्य होने की अपेक्षा नहीं है। ओ, दोनों में कोई विरोध ही नहीं है। देखो इसलिए इसको आगे के ये दो तीन चार श्लोकों में बताते हैं, चार श्लोकों में। इंद्रजालमिदं द्वैतं अचिन्त्यरचनात्वतः इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्ध भोगतः। इंद्रजालमिदं द्वैतं अचिन्त्यरचनात्वतः इत्यविस्मरतो हानि का वा प्रारब्ध भोगतः। बोले ऐसा है, ये जो जगत है कैसा है? इंद्रजालमिदं द्वैतम्, इंद्रजालवत है, अचिंत्य रचना है।
अचिंत्य रचना होने से ये इंद्रजाल के समान है, ऐसा कहते हैं। अचिंत्य रचनात्वतः, तह लग जाता है मतलब कारण से, अचिंत्य रचना होने से ये मिथ्या है। अच्छा, अब ये मिथ्या है और दूसरी तरफ प्रारब्ध का क्या हो, प्रारब्ध के अनुसार वो भोग भोग रहा है इस जगत का, जगत को भोग रहा है। तो बोले प्रारब्ध से प्राप्त भोग, ध्यान से सुनना, और जगत का मिथ्यात्व तो होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखो उसका प्रश्न क्या था कि यदि ज्ञानी जगत को भोग रहा है प्रारब्ध के अनुसार, जो भी उसके भोग आए, भोग तभी सकता है जब वो जगत सत्य हो। तो उसका कहना यह, सत्यत्व और भोग ये दोनों साथ में चलता है। एक तरफ आप कह रहे हो जगत मिथ्या है, दूसरी तरफ कह रहे हो भोग भी प्रारब्ध के अनुसार भोग भोग रहे। तो यहां पर आचार्य कहते हैं उसमें क्या हानि है, ये थोड़ी कि यदि प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगना है तो पहले जगत को सत्य बनाना पड़ेगा, सत्य मानना पड़ेगा, ये कोई अपेक्षा नहीं है। प्रारब्ध के भोग कोई अपेक्षा नहीं है कि वो जगत को सत्य मानने पर ही वो भोग कर सकेगा। प्रारब्ध और सुख दुख भोगता है वो एक अलग विषय है, और जगत मिथ्या ये एक अलग विषय है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। इसलिए ये जो तुम कह रहे हो ना कि यदि उसमें मिथ्या बुद्धि होगी तो जगत को कैसे भोगेगा, प्रारब्ध के अनुसार जो भी भोग भोग आ रहे हैं कैसे भोगेगा, बोले उसमें कोई विरोध नहीं है, दोनों साथ में चल सकते हैं। बहुत ही देखिए गूढ़ ये सब शंकाएं प्रश्न हैं, हम सब लोगों को मदद करने के लिए इसका उत्तर दिया है आगे के 3-4 श्लोकों में, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।